रणजी ट्रॉफी डेब्यू हम लोग स्टे यहाँ पर ही करते थे, यहाँ पर रुकते थे, ये यहाँ पर क्लब हाउस है हम लोग का और सामने इधर हॉकी स्टेडियम है। बट एक चीज जो है यहाँ के क्लब हाउस में इतना अच्छा नींद आता है यार, अलग लेवल का नींद आता है यहाँ पे। ये क्या एपिक कहानी बता दी आपने। नीचे उतरो और सीधा स्टेडियम में जाओ तो फिर बेसिकली हम टीम एक साथ ही रहते थे हमेशा। okay. और कंपलसरी था हम लोगों की इधर से ही जाना है मैच को आपको। हाँ क्या? तो फिर हम लोग को वो करना पड़ता था, देन इधर से सामने जाते थे हम लोग। चलो आगे उतर के बताओ, दिखाओ हमको ऐसा। आप बता रहे थे डिसिप्लिन, सो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड जिंदगी इज व्हाट यू आर लीडिंग देन ना? नॉट एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड बट समटाइम्स ऐसा कहा कि चीट वगैरह करता हूं मैं मील्स में, बट मजा आता है और उससे और मोटिवेट होते हैं हम। हां ले लो। व्हाट इज योर लाइक अ डे ड्यूरिंग ऑन मैच डे लाइक ओवर हियर इन मैच डे? हां तो वी वेक यूज्ड टू वेक अप एट आई वेक अप एट अराउंड 7:30 अगर हम लोग रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हैं। And then, जो हमारा बेसिक जब भी आते हैं हम लोग पार्क इधर करते हैं गाड़ी। और ये प्लेयर्स लोग का पार्किंग है जगह। अच्छा? बट अभी तो इतना नहीं होता है यहाँ पर मैचेस, बट इसका यहाँ पर आने का फीलिंग और ड्रेसिंग रूम में जाने का वो प्रेजेंस अलग ही है उसका एटमॉस्फियर। बिकॉज़ यू नो द हिस्ट्री नो, इट्स लाइक यहाँ पर इंडिया वर्ल्ड कप जीते 2011 और उसके बाद से आपने ड्रेसिंग रूम इवॉल्व होते हुए देखा है ओवर द इयर्स, लाइक डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड? हां बहुत कुछ देखा है मैंने, ड्रेसिंग रूम चेंज ही हो गया पहले जैसा था। जैसे कि कैसा मतलब? पहले सीटिंग एकदम अलग रहता था जब कम कम अंदर बता दो आप बाकी का। हां इंडियन पब्लिक दिल से प्यार करता है आपको, दिखते हैं उनकी आंखों में, आते हुए दिख रहा था मेरे को। दे लव यू ब्रो, लाइक दे लुक एट यू लाइक दैट, इट्स सुपर्ब। यू वर सेइंग अबाउट द चेंजिंग रूम, सीटिंग वगैरह, मतलब मेरे को नहीं पता कैसा होता था। जब भी हम ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो हर प्लेयर्स लोग का वो सुपरस्टिशन होता है कि ये मेरा जगह है। हाँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट लगाव जैसा बोलते हैं ना हम जी, कि ये जगह से लगाव रहते हैं तो वो सीट से भी लगाव रहते हैं। जब भी ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो इधर मैं ही बैठूंगा, कोई जूनियर आके बैठता है तो चल उठ जा वैसा होता है। हाँ। मतलब रिस्पेक्टफुली बोलते हैं हम। हाँ जी हाँ। And I'm sure सब जूनियर्स they are also understanding because they wait for their senior players to come in so that they get to know where they sit। Yeah। And फिर उसके बाद वो अपना जगह चूज करते हैं। Fair enough। I mean you're respecting somebody else's routine and rituals as well। Yeah, yeah।